राज्यसभा का चुनाव ये भावनाओं का चुनाव नहीं है, ये चुनाव शुद्ध रूप से विधानसभा में जो आंकड़े हैं उसके आधार पर चुनाव होता है। और संविधान में ये लिखित है कि संख्या बल के आधार पर राज्य से राज्यसभा का उम्मीदवार जीतकर जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने 3 उम्मीदवार रखे कांग्रेस पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी अब बैटिंग करना चाहती है लेकिन पिच पर आना नहीं चाहती है। उन्होंने 1 उम्मीदवार उतारा है घनश्याम जी को, जो घर वापसी कर आए हैं, लेकिन दूसरा उम्मीदवार जो है उनके जो सारे समर्थक विधायक हैं वो सब भाजपा के हैं, कोई एक निर्दलीय विधायक उनके नामांकन में नाम शामिल नहीं है। तो सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए, हफ्ते भर असमंजस पैदा हो प्रदेश के अंदर, मात्र इसलिए यहाँ पर ये खेल खेला जा रहा है। मैं स्पष्ट कर दूँ कि कांग्रेस उम्मीदवारों के पास जितना बहुमत रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हमारे पास समर्थन है। और 10 तारीख को जब मतगणना होगी आप देख लीजिएगा। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि किसी को नाराजगी है या कुछ मांग कर, सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए ललायत हैं और सब चाहते हैं कि अधिकांश विकास इलाके में हो। तो अगर कुछ मांग भी कोई कर रहा है जनप्रतिनिधि, तो पब्लिक को डिमांड में रखकर मांग कर रहा है, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मांग नहीं कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जो हम सब यहाँ साथी उदयपुर में आए हैं, ये विधायकों ने कहा था कि हम पर अनावश्यक दबाव कहीं से ना पड़े, इसलिए सब साथी एक साथ रहें। आज मंत्री, विधायक, सब दल, जो क्षेत्रीय दल भी हैं, पिछले 3.5 साल से क्षेत्रीय दल के विधायकों ने सरकार का समर्थन किया। सरकार ने भी निर्दलियों को या कोई व्यक्ति, किसी को, कोई हमारे यहाँ एडवाइज़र है, कोई चेयरमैन कॉरपोरेशन बना हुआ है, तो 3.5 साल तक जिन लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया है, मैं समझता हूँ कोई किसी भी कीमत पर वो हम खिलाफ वोट डालेंगे संभव नहीं है। और हमें विश्वास है, और इस बात को AICC कह चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, और हम सब कह रहे हैं कि हम लोग भारी बहुमत से 3 विधायक सांसद हमारे बनकर जाएंगे। और जैसा तिवारी जी ने कहा, इसमें 3 कैंडिडेट ही सोनिया जी के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इसमें 1, 2, 3 या 3, 2, 1 का कोई विषय नहीं है। 3 उम्मीदवार पर्याप्त बहुमत से ज्यादा मत हासिल कर जीत कर जाएंगे। पहले जी पुनिया जी कह रहे हैं कि कांग्रेस 16 में गब्बर सिंह की तरफ, वो लोगों की तरफ डर रही है कि कहीं गब्बर सिंह भी आ जाए, तो इसे बीजेपी गब्बर सिंह है ऐसा है। अब मैं किसी के कमेंट पे कमेंट नहीं करता हूँ, आप जानते हो मेरी एक दशक से ये एक मर्यादा मैं लांघता नहीं हूँ। मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि राजनीति होनी चाहिए मुद्दों के ऊपर, और विधायक जो जनता ने जनादेश दिया, कांग्रेस सरकार बनी ना, जो 163 से 90 विधायक कम किए जनता ने, तो जनता ने वोट डाला था, और जनता के प्रतिनिधि MLA होते हैं, और MLA के माध्यम से हमारे 3 जो उम्मीदवार हैं ये राज्यसभा में जीत। पहले तो राज्यसभा चुनाव के बहाने नाराज विधायकों के काम हो जाएंगे, मांगे पूरी हो जाएगी। अरे भाई, आपकी मांगे कब पूरी होगी? अरे भाई, कोई नाराज नहीं होता। प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए अगर कोई विकास चाहता है या कोई अधिक धनराशि चाहता है तो सरकार से मांगने का उसका अधिकार है। मैं नहीं समझता हूँ, हमने, हमारी तो ये मांग है, मांग क्या, मेरी एक दिली ख्वाहिश है हम सब लोगों की कि राजस्थान में सरकार दोबारा कांग्रेस की बने, जो अपन 30 साल से नहीं कर पाते हैं, ये हकीकत है। लेकिन हम बहुमत के बाद जनता का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, उस दिशा में काम कर रहे हैं, और आला कमान हमारी पार्टी का संगठन सरकार मिलकर काम कर रही है, और 15 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर सरकार बनाएंगे।